नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। राहुल बोले, प्रधानमंत्री रेपेस के लिए वोट मांग रहे, उन्होंने भारत से भागने में उसकी मदद की, यही मोदी की गारंटी। राहुल गांधी ने गुरुवार 2 मई को कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्होंने रेपिस्ट को भारत से भागने में मदद की, यही मोदी की गारंटी है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस एचडीएस सांसद और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। राहुल ने ये भी कहा कि जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, उन्हें चिढ़ मच रही है क्योंकि उनके अरबपति मित्रों को पैसा नहीं मिल पा रहा। हमारी सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। युवा निधि में आपको यहाँ अभी 3,000 रुपये महीना मिलता है। पहली नौकरी पक्की स्कीम हम लागू करने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, 8,500 रुपये हर महीने अकाउंट में जाएंगे, 1 साल में 1,00,000 रुपये होंगे। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग मिलने वाली है। उन्होंने यानी भाजपा सरकार आपको बेरोजगारी दी, हम आपको अप्रेंटिसशिप का अधिकार और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। यहां से पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर 200 से ज़्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने दावा किया कि प्रज्वल के पेन ड्राइव में 2900 से ज़्यादा अश्लील वीडियो हैं। फिलहाल प्रज्वल विदेश में है। कहा जा रहा है कि वोटिंग के बाद वे जर्मनी रवाना हो गए। वायरल वीडियो को लेकर रेवन्ना के घर काम करने वाली मेड ने एचडी रेवन्ना उम्र 67 वर्षीय और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना उम्र 33 वर्षीय के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज कराया। महिला मेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एचडी रेवन्ना पत्नी के घर पर नहीं होने पर उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते रहते थे। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। गुरुवार यानी 2 मई को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, 7 दिन का समय देने का प्रावधान ही नहीं है। यदि वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।